नमस्कार पब्लिक टीवी के खास कार्यक्रम बातचीत में एक बार फिर हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने प्रदेश में अपना एक अहम स्थान पाया है और शुरू से बहुत मेहनत के बाद में इस स्थान पर पहुंचे हैं। सबसे पहले हम बात करते चले आए हैं अब तक निकाय चुनाव की, उसके बाद मैं भी हूं मैदान में, हमने एक कार्यक्रम चलाया, इसके बाद अब हम बातचीत जो खास कार्यक्रम पब्लिक टीवी का है उसी में आज हमारे साथ मौजूद है भंवर सिंह चौहान जी जो प्रदेश महासचिव हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। किस तरह से काम कर रहे हैं ये भारतीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी? एक सोच और एक पिछड़ा वर्ग समाज की समस्या को लेकर के उनको उनका हक दिलाने के लिए तत्पर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, जो पिछड़ा वर्ग समाज है, अति पिछड़ा वर्ग समाज है, उसको उसका हक मिलना चाहिए, उनको उनका हक नहीं मिल पाता है। जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जाति में नहीं कह रहा हूं, जो आपके अधिकारी पद पर हैं पिछड़ा वर्ग समाज, उनको वो लाभ मिल रहा है जिसको मिलना चाहिए, जिनको उनको नहीं मिल रहा है उसका लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है। और दूसरा, हमारी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो नीति है कि हमारे इस पार्टी की जो गठबंधन भारतीय समाज पार्टी के साथ है, भारतीय समाज पार्टी से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो गठबंधन हुआ इन्हीं शर्तों पर हुआ कि हम सरकार में अगर आएंगे तो इन चीजों को लेकर के आगे चलेंगे और गरीब के बच्चों को, गरीब के बेटा बेटी को नौकरी और उनकी शिक्षा पढ़ाई का उनका फ्री, कक्षा 12 तक फ्री होना चाहिए। इसके बाद में अगर बात करें अभी निकाय चुनाव में क्या रहा? देखिए, निकाय चुनाव में हमारे माननीय जी का, राष्ट्राध्यक्ष जी का, हमारे माननीय अरविंद राजभर जी की जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। हमने उसमें जो सीटें मांगी थी उस पर उन्होंने विचार करने के लिए बोला और जब विनय नहीं आया तो हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने फिर हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव है उन्होंने निर्णय लिया कि हम पार्टी में क्षेत्र में उतरेंगे, अब जाएंगे लोगों के बीच में जिससे कि हमारा कम से कम लोग जाने और हमारी रीति नीति को और हमारे पार्टी के बारे में और हमारी पार्टी की उनके आगे पहचान हो, तो कम से कम इतना तो हम काम करेंगे। और इसमें हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिला, 24-26 हमारे सभासद जीते पार्टी के, सभासद और के 7 सीटों पर हम दूसरे नंबर पर रहे हैं, 6-7 सीट। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं देखें अगर चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव होने के बाद में प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने कितनी पकड़ बनाई है? ये पश्चिम उत्तर प्रदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने और अरविंद जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मुझे लोकसभा का प्रभारी भी बनाया है अमरोहा लोकसभा का, इससे जो हम पार्टी की रीति नीति को लेकर के आगे बढ़े और लोगों को समझ में आए, लोगों को अच्छा लगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ये कार्यक्रम दिए, उन्होंने जो आकर के मंच से जो कहा, जो बोला, उनकी बातों को सुन करके, उनके विचारों को सुन करके लोग जो आगे बढ़े हैं, हमारी पार्टी में जुड़े हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, हमारा जो जनाधार बढ़ा है तेजी से, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विचारधारा और पार्टी के विचारधाराओं के वजह से। इसके साथ ही अगर बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी क्या आगे उसका मुकाम है और क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, हमारा आगे जो अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव में जो भी पार्टी के साथ गठबंधन है और गठबंधन में जो भी सीटें मिलेंगी उस पर जो भी तय होगा ऊपर वाले करेंगे, देखो ये तो हमारे इशू में नहीं है, नॉलेज में नहीं है, जिसको ऊपर वाले तय करेंगे, हाईकमान तय करेगी हमारी और भारतीय जनता पार्टी।
कितनी सीटें मिलती हैं। पश्चिम में भी हम एक एक दो सीटें मांग रहे हैं जो, और पूर्वांचल में भी, मध्यांचल में भी, और जो भी मिलेंगी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो हमारा जनाधार जिस तरह तेजी से बढ़ रहा है, आगे आने वाले समय में इतना तेजी से बढ़ेगा, लगता है कि हम जो भी सीटें मिलेंगी हम उस पर जीत के आएंगे। और आगे आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा 2022 में, उसमें हम बहुत मजबूती के साथ में, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल सही बताया। इसके बाद हम आपकी बात करते हैं, इससे पहले आप सुहेल जी भारतीय समाज पार्टी में आने से पहले कहीं ना कहीं आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, क्या वजह रही कि आपको ये एक टर्न लेना था? देखिए, समाजवादी पार्टी में उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव जो हुआ था हमारे बिलारी विधानसभा में, उस उपचुनाव में हमको जो क्षेत्र ने प्यार मोहब्बत और जो हमारे हमें उन्होंने आगे बढ़ाया कि आपको चुनाव लड़ना है, और हमने जो चुनाव लड़ने का निर्णय लिया उसमें, उसके लिए हमारे समाज ने कुछ राजनीतिक ऐसी समस्याएं बातें आई कि हमको चुनाव ना लड़ करके हमें इनको सपोर्ट कर देना चाहिए। तो जब हमारे साथी लोगों ने इस तरह की बातें रखी तो हमने ये सपोर्ट किया, और हम सपा समाजवादी पार्टी की सरकार बन कैंडिडेट जीते, वो फहीम विधायक बने। उसी दौरान हमारे यहाँ गन्ना मिल है बिलारी, गन्ना मिल में चीनी इसका पेमेंट कई करोड़ रुपया किसानों का बकाया हुआ था। किसान यूनियन एक महीने से धरना दे रहा था एसडीएम के कार्यालय पर, उन्होंने हार के रो सके वो अपना घर बैठ गए। जो किसानों ने हमसे बात रखी है कि तो आपकी सरकार है, आप सरकार में बैठे हैं और ये चीनी ये पेमेंट नहीं हो रहा है तो बड़ी समस्या है, इसने बिजली भी प्लांट लगा रखा, बिजली भी बेच रहा है। तो देखा ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितनी भी मिल है, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितनी भी चीनी मिल है सब पे बकाया है, सबसे ज्यादा बकाया हमारे गन्ना मिल इस पे है, अयोध्या पर बिलारी। तो मैंने उस पर निर्णय लिया और मैं किसान भाइयों के साथ गन्ना मिल में बैठा मेरे पास, और मैंने कहा कि मुझे पेमेंट चाहिए, इसका जो चीनी का स्टॉक था उसको हमने रोक लगाया, और उसका हमने सिरे का हमने उस बात को रखा सरकार के आगे कि इसकी नीलामी की जाए, नीलामी की जाए और नीलामी करा के पेमेंट किया जाए किसानों को, ये इस तरह पैसे नहीं देगा। तो हमने जब ये दबाव बनाया तो इसको ये हमारे समाजवादी पार्टी के जो कुछ दूसरे तरीके के लोग हैं, जो हमारे वहाँ विधायक जी हैं, उनको बुरा लगा, उन्होंने हमको दबाव बनाया, हमारे एसडीएम का ट्रांसफर करा दिया, डीएम साहब ने दबाव बनाया कि आप पीछे हट जाइए, गन्ना मिल वालों ने हमको दबाव बनाया। हम बोले नहीं, ये किसान हित का मामला है, किसानों की समस्या है बड़ी, हम इस चीनी को नहीं आपकी उठने देंगे, इसे नीलाम करा के रहेंगे। इसमें हमारा साथ दिया वेंकटेश्वर लू कमीशन साहब ने, किसानों का साथ दिया, उन्होंने कहा चौहान जी मैं किसी अधिकारी को तो नहीं मैं वहां पर नियुक्त करता ट्रांसफर रोक सकता हूँ, लेकिन इतना है कि मैं आपका साथ दूंगा, किसानों के साथ हूँ, मैं चीनी की नीलामी जरूर करा के रहूंगा, शासन स्तर पर इस बात को आपकी आवाज को पहुंचा रहा हूं, और आप भी जाके मीडिया में, लखनऊ भी दो बार गया, फिर मुख्य सचिव साहब से मिला एनएक्सी में जाके, वहां पर एक चीनी मिल वाले भी उनसे मिले, इन्होंने मुझे लालच भी दिया, इन्होंने दबाव भी दिया, लेकिन मैं नहीं आया। मैंने वो चीनी तीन बार में 12.5 करोड़ की चीनी की नीलामी हुई, और नीलामी होने के बाद में इनके हमारे जो रास्ते उसी दौरान अलग हो गए, इन्होंने हमको भाई को भाई कहना दरार पड़ गई, भाई को भाई समझना बंद कर दिया। तो हम बोले ठीक है जी, लेकिन हम किसानों के जन समस्या है कि उनके साथ है, हम पार्टी के अगर हमारे विचार बढ़ने नहीं लग रहे अच्छे तो हम अलग, तो हम तभी अलग हो गए। और फिर हमने इनके ओम प्रकाश राजभर जी के विचार सुने, इनकी बातें सुनी, जो हमारे विचार हमें अच्छे लगे तो हमने फिर इनके साथ हमें काम करने का इनके साथ। अब आपके आपके पास में प्रदेश के साथ साथ अमरोहा का भी दायित्व है, और अमरोहा की बात करें, अमरोहा में इस वक्त क्या क्या राजनीतिक हल चल रही है? अमरोहा लोकसभा का मुझे प्रभारी बनाया है 3 महीना पहले माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और प्रदेश अध्यक्ष जी आनंद मिश्रा जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी, और मैं वहां जाकर के जो क्षेत्र में देख रहा हूँ 5 विधानसभा है, बहुत बढ़िया शासन काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, यहाँ तक कि जो चोरी चकारी जो पशु चोरियां हैं बिल्कुल बंद हैं, और वहां पर जो जो दबाव और जो प्रेशर रहता था राजनीति में उठे राजनीतिक लोगों का उठे सीधे काम कराने का अधिकारी, वो सब बिल्कुल नहीं है, स्वतंत्रता से काम कर रहे अधिकारी, बहुत सही काम हो रहे हैं क्षेत्र में, किसी हर व्यक्ति की समस्या सुनी जा रही है, बड़ा ही अच्छा काम चल रहा है।
बात करें, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में आपका गठबंधन है, सरकार बनने के बाद में कितना बदलाव आया और कितनी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था? देखिए मैं अधिकतर जब प्रदेश की जिम्मेदारी है, मैं ज्यादा प्रदेश में नहीं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूमता रहता हूँ, अधिकारियों से मिलता हूँ, मैं कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, क्षेत्र में भी जाता हूँ। जमीनी स्तर से 27 साल से राजनीति में हूँ। जो चीज बन रही है सरकार बनने के बाद जो आई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं अधिकारी नहीं सुन रहे, अधिकारी काम नहीं कर रहा है, अधिकारी नहीं बात कर रहा है। जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बोलते हैं, हमारे सामने भी बोलते हैं, हमसे भी बोला है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगा। अधिकारी सुनता है और काम करता है सही का, अगर आपका काम है, अगर आप सही बात लेकर के अधिकारी के पास जा रहे हैं तो वो सुन रहा है, काम भी कर रहा है। और ये चाहते हैं कि हम दबाव देके कुछ वैसे काम, कुछ उल्टे सीधे काम कराएं ताकि अधिकारी वो करे, हमारी सरकार, लेकिन इस तरह का गलत है। इस तरीके के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने ये लगाम कसी हुई है कि कोई भी गलत काम नहीं किया जाएगा, सही काम किया जाएगा, कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी और अधिकारी को सुनी जाएगी। इसलिए हम लोग, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सही बात को लेकर अधिकारी के पास जाते हैं। सत्ता के अधिकारी जो शासन बढ़िया आराम सुनता है, इज्जत देता है, तवज्जो देता है और काम को करता है। तो ये थे हमारे साथ में भंवर सिंह चौहान जी, जिन्होंने हमारे सवालों के विभाग से जवाब दिए हैं, अपनी पार्टी के अस्तित्व के बारे में बताया और पार्टी आगे क्या मुकाम हासिल करना चाहती है उसके बारे में बताया। अब देखना होगा कि आगे आने वाले वक्त और आने वाले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में भी किस तरह की अपनी भूमिका निभाएगी ये पार्टी और किस तरह से आगे काम करती रहेगी, ये आने वाला वक्त।